तरह से गुरुजी ने क्या लिखा इन शब्दों के माध्यम से, नर गोपी चंदने रणवासों में हरिया के अलख जगाई, तेरा भला गुरु भगवान करे दे साधु ने दिक श्यामाई, साधु ने दिक श्यामाई गोपी चंदने गुरु महाराज करे थे साधु ने दिक श्यामाई, साधु ने दिक श्यामाई। अलग जगा रहे भिक्षा के लिए गोपी चंद कह रहे हैं कि आज गुरु ने मुझे भव से उतरने का रास्ता बता दिया है, और क्या बताया भला, ए मुश्किल होना पार जते रहे, मुश्किल होना पार जते जब तक राग रहेगा, जीव के संग में काल बली नुई खेल का भाग रहेगा, खेल का भाग रहेगा, मुझे एक चुटकी दे चून तेरे घर बड़ा चिराग रहेगा, मेरे गुरु की कृपा से तेरा अटल सुहाग रहेगा, अटल सुहाग रहेगा। गुरु महाराज करे थे साधु ने दिक श्यामाई, साधु ने दिक श्यामाई। मेरे गुरु का आदेश हुआ कि भगवान की डोडी से भिक्षा लेकर के आइए और माँ कह करके भिक्षा लेके आइए, इस तरह गोपी चंद क्या कहने लगे भला, हे मुझ पापी पे रहम करा है, मुझ पापी पे रहम करा है, हद से घना गुरु ने से पार तारने का दिया रास्ता जना गुरु ने, रास्ता जना गुरु ने, अहंकार दिया काट ज्ञान से जो मन में तना गुरु ने, तेर मेर दी हटा मेरी दिया एक रस बना गुरु ने, एक रस बना गुरु ने। साधु ने दिक श्यामाई।
भाई आज मेरे गुरु ने मुझे मोक्ष की तरफ जाने का इशारा कर दिया है। धूना रमाता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। काम क्रोध मद लोभ मोह को दिल से हटा करके मुझे उस परमात्मा से मिलने का रास्ता बता रहे। क्या बता दिया भला? ये सत्संग के आवे मेरे, सत्संग के आवे मेरे दिया ढंग से पका गुरु ने ओम का सुमरण करवा के दिया अमृत चखा गुरु ने, अमृत चखा गुरु ने मेरी दिया पल में छका गुरु ने मेरा करा चांदना हृदय में दिया भव से लखा गुरु ने, भव से लखा गुरु ने। साधु संतों में विश्वास रखती है तो साधु को दो चुकती चून देने से तेरे घर में हमेशा उजाला रहेगा। और क्या कहने लगे गोपी चंद भला? कह लड्डन सिंह राज भले मन में, लड्डन सिंह राज भले मन में सबका जो विश्वास रहे तेरे नगर में फूल खुशी के खिलते बारह मास रहे, खिलते बारह मास रहे रवि शशि और तारागण में जब तक ये प्रकाश रहे तेरा नाम रहेगा माँ जब तक ये धरती और आकाश रहे, धरती और आकाश रहे। गुरु महाराज